गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबंध की प्रकृति या विशेषता क्या है। प्रबंध एक ही विशेष कह सकते हैं, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य नहीं अपितु कार्य की प्रकृति भी है। इस प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले इसकी जो विशेषता या फीचर या नेचर्स में आते हैं वो ये हैं। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़। तो प्रबंध को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अलग तरह की एक्टिविटी है। इसकी ये जो इसके व्यवस्थित प्रशिक्षण और शिक्षण एवं उसके व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से एक विशिष्ट कार्य के रूप में बन जाते। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को एक अब अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो एक बहुत ही अलग तरह की से वो एक एक्टिविटी बन जाती है, एक स्पेशल एक्टिविटी बन जाती है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकती है। और टेरी इनके अकॉर्डिंग के अनुसार कहते हैं कि प्रबंध व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। यह एक अत्यधिक चुनौती और परिश्रमपूर्वक कार्य है। यह असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पादकों सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। अब जो ये बात यहाँ निकल के आ रही है कि अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो वो एक उस वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष कार्य के रूप में उभर के वह सामने आएगा। तो मैनेजमेंट को एक ऐसी एक्टिविटी कहा जाता है जो बहुत स्पेशल होती है। इस हर काम को वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर सकती है। तो इसका नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय कार्य। प्रबंध का जो कार्य है मानव के द्वारा होता है, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, पर मनुष्य द्वारा ही संपन्न होता है, मतलब इंसानों के द्वारा ही इस कार्य को किया जा सकता है। प्रबंध कार्यों में यंत्रों का उपयोग बड़ा है किंतु मनुष्यों के स्थान नहीं ले सकता। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर और जितने भी टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ही मैनेजमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो भी यूज़ किसके द्वारा होंगे, मानव के द्वारा ही तो होंगे। तो प्रबंध के जो विशेषज्ञ टेरी ने लिखा है कि कंप्यूटर प्रबंध में सहायता करते हैं किंतु ये मानव का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो मतलब कंप्यूटर अगर रखा रहेगा तो काम क्या आएगा, उसको मानव को चलाना तो पड़ेगा। तो प्रबंध एक ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको करने के लिए मैनेजमेंट एक ह्यूमन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा उस काम को करने के लिए। मानवीय संसाधन प्रबंध का कार्य, प्रबंध का जो है ये कहने का मतलब है ये एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मानवीय संगठनों के द्वारा ही एक्टिविटी का कार्य में लिया जाता है। प्रबंध मानवीय संसाधनों का ही है, ये किसी एनिमल के द्वारा हम इसका संगठन नहीं करा सकते हैं। तो प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है, इसलिए उन्होंने यह भी लिखा है कि यह भी कहा गया है कि पशुओं से प्रशिक्षण प्रबंध नहीं होता, इसे मनुष्यों की प्रशिक्षण प्रबंधकों से ही होता है। एंड नेक्स्ट है औपचारिक समूह में संपन्न कार्य, इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप। प्रबंध का जो कार्य है औपचारिक रूप से ही संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह में केवल भीड़ होती है जिसका उद्देश्य नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट है एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अन्य व्यक्ति से कार्य कराने का कार्य है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने का कार्य है। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराते हैं और वे स्वयं प्रबंध के कार्य नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण करते हैं। प्रोफेसर कुंज ने ठीक ही लिखा है कि औपचारिक रूप से संगठित लोगों से कार्य कराने की कला का नाम ही प्रबंध है। उद्देश्यपूर्ण या सौद्देश्यपूर्ण कार्य, प्रबंध का जो कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता है, मतलब पर्पसफुली एक्टिविटी है। ये जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है पर्पसफुली है, उसका कोई ना कोई पर्पस का होना जरूरी है, तभी मैनेजमेंट होता है। वातावरण मूलक कार्य, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट इसे इफेक्टिव करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट जो भी संस्था के अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट हो, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जैसे इकोनॉमी है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्निकल फील्ड है, वो सारे एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इन दोनों ही एनवायरनमेंट में उससे ओरिएंटेड इस अभिमुखी होना चाहिए, ओरिएंटेड में होना चाहिए, उसे उन सभी दोनों एनवायरनमेंट को उसको यूज़ में लेना आना चाहिए। नेक्स्ट है इसका
सृजनात्मक कार्य क्रिएटिविटी एक्टिविटी, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। ये कार्य मानव और भौतिक संसाधनों को इस प्रकार का उपयोग करता है कि वे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और सफलता प्राप्त कर सके, और ये साधनों की प्रभावशीलता और दक्षता मतलब इफेक्टिव जो कहते हैं एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट और अपने जो एफिशिएंसी उसको अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके उसमें उसको ही काम करने पर कहते हैं। तो इसका कह सकते हैं जीवन दायक तत्व है, लाइफ गिविंग एलिमेंट्स है, जिसे बहुत ही सावधानी से यूज किया जाता है। और इस क्रिएटिविटी एक्टिविटी में मतलब प्रबंधकों को बहुत ही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सार्वभौमिक क्रिया यूनिवर्सल एक्टिविटी, प्रबंधकों को यूनिवर्सल एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी जगह पाया जाता है, जैसे बड़े जैसे छोटे बड़े सभी तरह के जो प्लेस हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक व्यवहारिक आदि सभी जितने भी संगठन हैं सभी इस क्रियाओं को लागू करते हैं। एंड नेक्स्ट है सभी स्तरों पर व्यापक क्रिया। तो प्रबंध की जो प्रक्रिया है संस्था के सभी स्तरों पर व्यापक क्रिया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उच्च प्रबंधक से लेकर मध्य प्रबंधक और जो टॉप लेवल से लेकर जो लो लेवल तक के भी जितने भी मैनेजमेंट का कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी में इसी स्तर को इसी स्टेज को यूज़ करना पड़ता है। अब प्रबंध को नेक्स्ट जो इसका है, प्रबंध एक सामान्य सिद्धांत भी है, एक मतलब जनरल प्रिंसिपल्स के रूप में भी आता है कि प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। कुछ जैसे शिक्षावादी प्रबंधकों ने गहन शोध और अनुभव के आधार पर कहा है कि सभी प्रबंध समय परिस्थिति के अनुसार समायोज करते हुए सिद्धांत का उपयोग करते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग, प्रबंध को डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध जो करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। मतलब कोई भी उसको अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए उसको किसी न किसी चीज़ का निर्णय लेना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग में कहा जाता है। और लीडरशिप, प्रबंध एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें नेतृत्व भी सम्मिलित है। प्रत्येक प्रबंध के नेतृत्व करने की दक्षता होनी आवश्यक है। इसे गुणों में होने पर प्रबंध की सफलता का कोई संदेह नहीं रहता। मतलब लीडरशिप का होना बहुत ही जरूरी है। समन्वय प्रबंध का सार, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है। मैनेजमेंट में प्रबंध के अध्ययन और व्यवहार के लिए यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रबंध का यह जो कार्य नहीं है बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों का भौतिक संसाधनों का समन्वय की प्रक्रिया है ताकि संस्था के उद्देश्य एवं इससे संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक और कारगर ढंग से पूरा किया जा सके। उत्पादकता से जो सरोकार रखना, जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि प्रबंध अपने संसाधनों की उत्पादकता में सरोकार रखता है। ये उल्लेखनीय है कि उत्पादक और संसाधक की कुशलता और प्रभावशीलता में उत्पन्न होती है। अदृश्य शक्ति, इनटेंजिबल फोर्स, टेरी ने कहा है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, उसे देखा छुआ नहीं जा सकता, किंतु उसे प्रयासों के परिणाम के आधार पर ही उपस्थित स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि वाकई में मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। ये मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल प्रोसेस के रूप में आती है। प्रबंध कला विज्ञान का संगम है, मैनेजमेंट का जो कह सकते हैं आर्ट और साइंस है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कला के साथ साथ विज्ञान भी है। ये कला है तो क्योंकि इसमें ज्ञान और चतुराई का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर प्रबंध विज्ञान भी है क्योंकि इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है जिसके कारण परिणाम का संबंध पाया जाता है। किंतु निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वह कला है जो वैज्ञानिक के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों को अपनाती है, अतः ये कला और विज्ञान का संगम है। प्रबंध एक पेशा बन रहा है, मैनेजमेंट इज बिकमिंग ए प्रोफेशनल। प्रबंध को पेशा बन रहा है क्योंकि इसमें पेशे की सभी विशेषता विकसित हो सकती है और इसमें व्यवस्थित ज्ञान का भंडार हो गया है जिसे कई प्रबंधकों ने सिद्धांत और अवधारणा विचारधारा सम्मिलित किए। इस विज्ञान के अध्ययन और अध्यापन को उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। और प्रबंध एक बहुविषयक मतलब कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। प्रबंध विविध विषयों द्वारा विकसित ज्ञान विचारधाराओं के समन्वय और व्यवहार का विषय है, इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। स्वामित्व और प्रबंध, प्रबंध
में देखा जाए तो जितने भी बड़े उद्योग हैं व्यवसायों में स्वामित्व प्रबंध पर जो स्वामित्व वो जो ऑनर होता है और जो मैनेजमेंट मैनेजर होता है मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है प्रथम अलग अलग तरीके होते हैं हाथों में होता है अलग अलग तरीके उनके हाथों में कार्य होते हैं। लेकिन ये देखना में आता है कि जो उच्च प्रबंधकों के पद पर जो कार्य कर रहा है व्यक्ति जो संस्था का अध्यक्ष है प्रेसिडेंट है या संचालक है वो उसका जो ऑनर है उस नीचे के जो स्तर पर प्रबंधकों का कार्य कराने व्यक्तियों से परिवार के रूप में जो संबंध होते हैं उसे छोटे और के रूप में उसे मतलब इस तरह से मैनेज करता है कि वो पूरे उसके साथ उनको मोटिवेट करता है कि एक ऑनर ऑनरशिप को वो एक अच्छी तरह से निभा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की विशेषता में जो हमने आज पढ़ा वो किस तरह से मैनेजमेंट को उभर के रूप में सामने आ रही है मतलब एक संस्था की कुशलता और कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा आती है गुडविल जो निकल के आती है वो एक प्रबंधक के द्वारा ही आती है एक मैनेजमेंट के ही थ्रू आती है। अगर मैनेजमेंट हमारा अच्छा होगा तो किसी भी संस्था की गुडविल या उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में उपलब्ध होगा मार्केट में उसकी गुडविल बनेगी। तो यहाँ प्रबंध की विशेषताओं को ध्यान में इसलिए रखा गया है। तो आज की विशेषता है मैंने आपको सारी पढ़ा दी कि मैनेजमेंट में क्या विशेषता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट में यही सब आता है। आज के लिए धन्यवाद थैंक यू।